हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स और हम कई सारे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में अब बात आती है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब यानी कि वर्ब प्लस एक और एलिमेंट वो एलिमेंट या तो एडवर्ब होगा या प्रपोजिशन होगा जब भी किसी वर्ब के साथ एक एडवर्ब या प्रपोजिशन को मिलाकर एक फ्रेज बनाया जाता है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं हर फ्रेजल वर्ब का अपना एक अलग मीनिंग होता है तो चलिए डिस्कस करते हैं कई सारे फ्रेजल वर्ब्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट वीडियो सबसे पहले है अकाउंट फॉर इसका मतलब होता है एक्सप्लेन द रीजन यानी के कारण बताना सेंटेंस देख लेते हैं इसका I can't account for his unusual behavior. मैं उसके unusual behavior का कारण नहीं बता सकता Next आता है ask after, यानी कि आस्क अबाउट दर या हालचाल चाल पूछना वेन आई मेट योर ब्रदर ही आफ्टर यू यानी कि जब मैं तुम्हारे ब्रदर से मिला तो उसने तुम्हारा हालचाल पूछा नेक्स्ट out जिसका मतलब होता है गो बैक ऑन विद्रॉ फ्रॉम या बच निकलना सेंटेंस देख लेते हैं इसका He agreed to help but backed out at the last moment. वह मदद के लिए मान गया था पर आखिरी पल में बच निकला नेक्स्ट है बोर अवे यानी कि विन या जीतना सेंटेंस देख लेते हैं इसका सुहानी बोर द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन सुहानी ने डांस कॉम्पिटिशन में पहला प्राइज जीता नेक्स्ट है बियर आउट यानी कि सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट समर्थन करना सेंटेंस देख लेते हैं आई एम श्योर माई क्लासमेट विल बियर आउट माई स्टेटमेंट मुझे यकीन है की मेरे सहपाठी मेरे कथन का समर्थन करेंगे नेक्स्ट है बियर विद इसका मीनिंग होता है टू शो पेशेंस कोऑपरेट करना साथ देना या धैर्य रखना सेंटेंस देख लेते हैं इसका इट्स बोरिंग बट बियर विद इट ये उबाऊ है लेकिन इसके साथ धैर्य रखें नेक्स्ट देखते हैं प्लीज बियर विद मी इसका मतलब है कृपया मेरा साथ दें नेक्स्ट है ब्लो आउट यानी कि एक्सटिंग्विश या बुझना द कैंडल ब्लू आउट एज द केम इन जैसे ही हवा का झोंका आया मोमबत्ती बुझ गई नेक्स्ट है ब्लो ओवर इसका मतलब होता है पास ऑफ विदाउट हार्म या कम टू एन एंड या शांत होना स्कैंडल विल सून ब्लो ओवर कांड जल्द ही खत्म हो जाएगा नेक्स्ट है ब्लो अप यानी कि इसका मतलब है स्टार्ट सडनली एक्सप्लोर्ड उड़ा देना या विस्फोट द प्लान टू ब्लो अप द फ्लाई ओवर वॉज फॉइल्ड बाय द पुलिस फ्लाई ओवर को उड़ाने का प्लान पुलिस ने नाकाम कर दिया फ्लाई ओवर को उड़ाने का काम पुलिस ने नाकाम कर दिया नेक्स्ट है ब्रेक डाउन यानी कि इमोशनल कोलैप्स टूट जाना सेंटेंस देख लेते हैं शी ब्रेक डाउन आफ्टर शी मेट हर ब्रदर वह अपने ब्रदर से मिलने के बाद काफी इमोशनल हो गई वह अपने ब्रदर से मिलते ही टूट पड़ी नेक्स्ट है ब्रेकआउट ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड आउट यानी कि फैलना स्प्रेड आउट का मतलब है बर्स्ट होना गुस्से से फट जाना सेंटेंस देख लेते हैं फायर ब्रोकआउट ड्यूरिंग द नाइट रात के समय आग फैल गई दूसरा सेंटेंस है आई आई एम स्ट्रेस ब्रेक आउट इन अ रैश यानी कि जब मैं तनाव में होता हूँ तो मैं फट जाता हूँ नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ इसका मतलब होता है कम टू एन एंड तोड़ना या अचानक रुकना सेंटेंस देख लेते हैं द टॉक बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ इंडिया और चाइना के बीच बातचीत रुक गई नेक्स्ट है ब्रेक इन टू यानी कि टू मेक एंट्री फॉर स्टीलिंग जबरदस्ती घुसाना सम वन ट्राइड टू ब्रोक इन टू माई अपार्टमेंट लास्ट नाइट पिछली रात किसी ने मेरे अपार्टमेंट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू यानी कि डिस्कवर अ सीक्रेट मेजर अचीवमेंट बड़ी उपलब्धि सेंटेंस देख लेते हैं देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन अ मर्डर केस हत्या के मामले में बड़ी उपलब्धि की कोई उम्मीद नहीं है नेक्स्ट है ब्रेकअप जिसका मतलब होता है टर्मिनेट या टूटना सेंटेंस देख लेते हैं द ग्रुप ब्रोकअप लास्ट मंडे यानी कि पिछले सोमवार को समूह टूट गया नेक्स्ट है ब्रेकअप विद इसका मतलब होता है क्वेरल या रिश्ता तोड़ना या झगड़ा आफ्टर लॉन्ग फ्रेंडशिप द टू फ्रेंड्स ब्रोकन अप विद ईच अदर लंबी दोस्ती के बाद दो फ्रेंड्स में रिश्ता टूट गया नेक्स्ट है ब्रेक ओपन इसका मतलब होता है ओपन बाय फोर्स यानी के तोड़कर खोलना द thief ब्रोक ओपन द लॉक एंड स्टोल मनी चोर ने ताले को तोड़कर खोला और पैसे चुरा लिए नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट यानी कि कुछ घटित करना या पेश करना to make something happen, it's good to bring about the change in society, समाज में बदलाव लाना अच्छा है नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट यानी कि एक्सप्लेन द मीनिंग प्रकाशित करना शी आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम वह कविता का मतलब नहीं समझा पाई नेक्स्ट है ब्रिंग राउंड यानी कि टू मेक वन एग्री मना लेना या पटा लेना आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई मदर राउंड माई व्यूज मैं अपनी माँ को अपने विचारों से मना लेने में सक्षम था नेक्स्ट है ब्रिंग अप यानी कि रियर अप पालन पोषण करना शी स्ट्रगलिंग टू ब्रिंग अप हर फैमिली अलोन वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है नेक्स्ट है कॉलेट यानी कि विजिट अ प्लेस टू मीट किसी जगह पर मिलने जाना सेंटेंस देख लेते हैं आई कॉल्ड एट द रेजिडेंस ऑफ माई बॉस येस्टरडे मैं कल अपने बॉस के आवास पर मिलने गया था नेक्स्ट है कॉल फॉर यानी कि नेसेसरी रिक्वायर आवश्यक फॉर सक्सेस डिसिप्लिन इज कॉल्ड फॉर सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है नेक्स्ट है कॉल इन कॉल आउट यानी के कॉल फॉर हेल्प मदद के लिए बुलाना द पुलिस फॉर कॉल्ड इन विदाउट डिले बाय द रेजिडेंस बिना देरी किए निवासियों द्वारा पुलिस को बुलाया गया था नेक्स्ट है कॉल ऑफ यानी कि सस्पेंड और अबेंडन रद्द करना बंद करना वी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक हमने हड़ताल को रद्द करने का फैसला लिया था नेक्स्ट है कॉल ऑन यानी कि गो एंड विजिट अ पर्सन मिलने जाना ही इज प्लानिंग टू कॉल ऑन हिज फ्रेंड टुडे। यानी कि वह अपने दोस्त से मिलने जाने की योजना बना रहा है नेक्स्ट है कॉल अप यानी कि टू टेलीफोन रिकॉल फोन करना माय फ्रेंड कॉल्ड अप एंड आस फॉर सिलेबस मेरे दोस्त ने फोन किया और सिलेबस के बारे में पूछा नेक्स्ट कॉल अपॉन यानी कि अपील रिक्वेस्ट विनती करना सेंटेंस देख लेते हैं ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट प्रेस रिपोर्ट को सही दिखाने के लिए उससे विनती की गई नेक्स्ट है कैरी अवे बाय यानी कि लूज कंट्रोल आपा खो देना ही वॉज कैरीड अवे बाय द जॉय ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ इस सक्सेस उसकी सफलता की खबर सुनते ही उसने खुशी से आपा खो दिया नेक्स्ट है कैरी ऑन यानी कि कंटिन्यू जारी रखना इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन हिज बिजनेस ड्यूरिंग कोरोना टाइम यानी कि कोरोना काल में अपने व्यवसाय को जारी रखना कठिन है नेक्स्ट है कैरी आउट यानी कि इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट या अंजाम देना ही डिड हिज बेस्ट टू कैरी आउट द प्लान उसने अपनी योजना को अंजाम देने की पूरी कोशिश की ये सभी थे हमारे फ्रेजल वर्ब्स आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद एप स्टडी नाव